हर रोज़ 8 बजे जागने वाली हमारी गैंग आज सुबह 6 बजे ही जग गई, क्योंकि हमें 8:50 वाली अमृतसर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस पकड़नी थी। ट्रेन अपने बिल्कुल टाइम पर निकल पड़ती है और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आगरा का ट्रिप। हमारी ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारी ट्रेन चल करके आगरा कैंट तक जाने वाली थी। इस ट्रिप के लिए हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। देखिए ये सारे गेम वो हैं जो हम बचपन में खेला करते थे। हमारी ट्रेन एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस थी, जो कि 120 से 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही थी। हम इस ट्रेन की जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें बहुत भीड़ थी। हमारी ट्रेन लगभग 2.5 घंटे की ट्रैवल के बाद आगरा कैंट पहुंच जाती है। जो समझना है समझ लो, वही है। जैसे जैसे हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म के नज़दीक पहुंच रही थी, हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा था। हम सभी को एक अलग सा नयापन महसूस हो रहा था, क्योंकि सारे लोग काफ़ी लंबे समय से रोज़ रोज़ एक ही रूटीन को फॉलो कर कर के बोर हो चुके थे। फिर हम आगरा कैंट से ताजमहल के लिए टेम्पो लेते हैं, जिसका किराया मात्र 20 रुपये होता है। टेम्पो में बैठ कर के हम आगरा की खूबसूरती को निहारते हुए बढ़ चलते हैं अपने डेस्टिनेशन ताजमहल की ओर। टेम्पो वाला हमें ताजमहल के बाहर ही छोड़ देता है और यहाँ से 100 मीटर का आगे का रास्ता हमें पैदल तय करना पड़ता है, जो कि पतली गलियों से होकर के गुजरता है। चारों तरफ दुकानें ही थी। इन दुकानों पर मोस्टली खाने पीने की चीज़ें बिक रही थी, ज़्यादातर ढाबा और रेस्टोरेंट्स ही थे। जब आप ताजमहल को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको भूख बहुत लगेगी, और वहाँ पर अंदर में कहीं भी खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है। तो ये पूरी की पूरी जो गली है, ये पेठा और खाने पीने की दुकानों से भरी पड़ी है। जैसे जैसे आप नज़दीक चलते जाते हैं पर हम लोग थोड़ी अकेले हैं, तो ताजमहल की बाहर की दीवारें दिखनी चालू हो जाती हैं और आपका एक्साइटमेंट बढ़ता ही जाता है। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी थे सिक्योरिटी के लिए, और बहुत सारे फॉरेनर्स भी आपको यहाँ पर दिखने चालू हो जाएंगे जैसे जैसे आप इसके नज़दीक बढ़ते जाएंगे। ताजमहल के एंट्री गेट के बाहर ही टिकट काउंटर है, यहाँ से हमने टिकट बुक की। यहाँ पर एक स्कैनर लगा हुआ था, जिसे स्कैन करके ऑनलाइन टिकट बुक की जा सकती है। ताजमहल के लिए हमने जो टिकट बुक की वो 235 रुपये का था, तो पर हेड 235 रुपये लगा। जैसे हमने इंटर किया, ये वेस्ट गेट था। यहाँ से अंदर का नज़ारा काफ़ी शानदार था, आप देख सकते हैं। ऊपर से मौसम इस पे 4 चांद लगा रहा था। बादल की बनावट इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। किसी को रुक तो बोलना पड़ेगा भाई, हम लोग
और अब बारी थी ताजमहल को अंदर से देखने का। जैसे ही हमने एंट्री ली, हमें भरोसा नहीं हुआ कि हम दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबे को देख रहे हैं। जिसे हम किताबों में देखा करते थे वो आज हमारे सामने है। ताजमहल की खूबसूरती को देखकर के मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि मुमताज महल सच में बहुत खूबसूरत रही होगी, तभी तो शाहजहां ने इतना बड़ा ताजमहल उसकी याद में बनवा दिया। ये मुमताज बेगम को अगले जन्म में पाने की लड़ाई चल रही है, देखते हैं कौन जीतता है। हमारे इस मस्ती में धूप बहुत खलल डाल रही थी, धूप काफ़ी तेज थी। ऊपर से हमने सुबह से कुछ नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि हमें मौका नहीं मिला नाश्ता करने का, और रास्ते में कुछ वैसा अच्छा दिखा भी नहीं। आप भी आगरा जाने का प्लान बना रहे हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप एक बार मौसम को ज़रूर देख लें, कोशिश करें कि अप्रैल के महीने में या सितंबर के बाद जाएं, स्प्रिंग और ऑटोमन के टाइम पे वो मौसम अच्छा रहेगा यहाँ पे घूमने के लिए। धूप काफ़ी तेज़ थी तो हम अपने लिए चल देते हैं पानी भरने, और आप देख सकते हैं हमारे सामने कितनी भीड़ जा रही है। इतनी धूप में भी लोगों का जोश ठंडा ही नहीं पड़ रहा था, बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने आए थे। एक डाटा के अनुसार लगभग 80 लाख टूरिस्ट हर साल यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, जिसमें से लगभग 1 लाख तो विदेशी होते हैं। उसी डाटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 19-20 में लगभग ASI ने 100 करोड़ रिवेन्यू जनरेट किया था इस ताजमहल से। ताजमहल यमुना नदी के एकदम किनारे पर बसा हुआ है और इसका पानी ताजमहल की बाउंड्रीज को टच करता है। और अब बारी थी ताजमहल के अंदर जाने का। इसके अंदर जाने से पहले हमें अपने पैरों में ये प्लास्टिक के बैग्स पहनने पड़ते हैं, जो कि वहीं पे आपको 10-10 रुपए में मिल जाएंगे। ये इसलिए पहनना पड़ता है क्योंकि ताजमहल गंदा ना हो जाए। उसके बाद हम चल देते हैं। इसी ताजमहल में अंदर जाने के लिए हमने औरों से 200 रुपये एक्स्ट्रा पे किए हैं। हमारी टिकट 235 की थी, जिसमें से 200 रुपये बस ताजमहल के अंदर घुसने का था, लेकिन हमें इसका कोई रिग्रेट नहीं रहा कि ताजमहल की असली खूबसूरती को पास से ही अनुभव किया जा सकता था। कहते हैं इस ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे और लगभग 22,000 मजदूरों ने यहाँ पे काम किया था और लगभग 3.2 करोड़ रुपए भी लगे थे। ये ताजमहल मुमताज महल की कब्र है, जिसे वहाँ पे दफनाया गया था और बाद में शाहजहाँ को भी वहीं पे दफनाया गया था। तो इसे देखने ही हम इस दरवाजे के अंदर चल जाते हैं। इसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। इस दरवाजे से हम बाहर निकलते हैं। बहुत ज़्यादा थक जाने के कारण हम थोड़ी देर रेस्ट करने लगते हैं। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इसके बाद हम जाते हैं ताजमहल म्यूज़ियम में, जिसमें एंट्री फ्री थी। इसके अंदर सारे राजाओं की फ़ोटो, कहाँ कहाँ से कौन कौन से पत्थर ला करके ताजमहल को बनाया गया है वो, और ताजमहल का नक्शा सब है, पर उसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। उसके बाद हम लास्ट में आ जाते हैं इस कॉर्नर में। इस कॉर्नर में इंडिया के सारे मोनूमेंट्स की तस्वीरें लगी हुई थी, जिसे मैं एक एक करके निहारने लगता हूँ। आपको इंडिया में जितनी मोनूमेंट्स हैं सबकी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी, सारे का लोकेशन और वहाँ पर क्या क्या खास है सब कुछ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है शायद ये विदेशी टूरिस्ट के लिए लगाया गया होगा, ताकि उन्हें और भी इंडिया के मॉन्यूमेंट्स के बारे में पता चल सके और वो आगरा से घूमने के बाद दूसरी जगहों पर जाकर के घूम सके और इस तरह से हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू आ सके। ताजमहल की खूबसूरती को देखकर मुझे एक शायरी याद आ गई, जिसे मैंने बहुत पहले कहीं पर पढ़ा था। शायरी कुछ ऐसी थी कि इस इश्क की निशानी ने दुनिया को दीवाना बनाया है, कैसी होगी वो मोहब्बत ये अफसाना बताया है। इन तस्वीरों को देखने के सिलसिले में ये आपको आपके अतीत में लेके जाएंगी,
और इन तस्वीरों में सबसे लास्ट तस्वीर जो है उसे देख करके आपको यकीन नहीं होगा कि हम पुराने टाइम में कैसे रहते थे। ये जो तस्वीर थी ये आदिमानव टाइम की थी। ये तस्वीर हमारे संघर्ष की कहानी को बताती है कि पहले हम कैसे थे और आज कैसे बन गए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो